पत्रकारिता की नई धारा। हम बनेंगे आपकी आवाज। हम हैं हर कदम आपके साथ। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है तो हमें बताइए, हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। नमस्कार, रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। विगत दिनों नेपाल के लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन पर आयोजित सेमिनार में विशिष्ट अतिथि के रूप में शाहजहांपुर के SS डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर अनुराग अग्रवाल से बौद्ध दर्शन पर रिसेंटली न्यूज़ के संपादक धनंजय कुमार वाजपेयी जी के साथ खास बातचीत। शाहजहांपुर के SS डिग्री कॉलेज वाणिज्य संकाय विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अनुराग अग्रवाल पिछले दिनों नेपाल के लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय में गए, जहां पर उन्हें विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया। डॉक्टर अग्रवाल ने बुद्ध के दर्शन पर वहां अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। आपको बता दें, डॉक्टर अनुराग अग्रवाल अब तक अमेरिका सहित विश्व के कई देशों में अपना व्याख्यान व शोध पत्र प्रस्तुत कर चुके हैं। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल से बौद्ध दर्शन व सनातन धर्म पर रिसेंटली न्यूज़ के संपादक धनंजय वाजपेयी ने गहन चर्चा की। आज हमारे साथ SS कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग अग्रवाल हैं, और आपको बता दें कि डॉक्टर अनुराग अग्रवाल विश्व के कई देशों में गए और वहाँ पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए, कई जगह सेमिनार में संबोधित किया। अभी जल्दी ही नेपाल के लुम्बिनी विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन पर वो एक सेमिनार को संबोधित किया उन्होंने, वहाँ पे विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मानित किए गए। तो आइए जानते हैं अनुराग अग्रवाल जी से कि बौद्ध के दर्शन में क्या ऐसी विशेषता है जिससे कि हमारा भारतीय समाज प्रभावित है। लुम्बिनी विश्वविद्यालय महात्मा बुद्ध की स्मृति में बनाया गया है, उसका पूरा नाम ही है लुम्बिनी बौद्धिस्ट विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय में महात्मा बुद्ध के दर्शन और उसकी प्रासंगिकता पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें मैंने प्रतिभाग किया और उसके उद्घाटन सत्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में उसको सम्मानित किया गया। वहाँ पर मेरा अपना मंतव्य जो मैंने प्रस्तुत किया वो ये था कि बुद्ध शांति के प्रतीक थे। बुद्ध का पूरा दर्शन शांति का है। उन्होंने कहा है कि यदि दुख है तो दुख का निवारण भी है, दुख का निवारण करने का रास्ता भी है और उस रास्ते पर चलना संभव भी है। और आज दुनिया तीसरे विश्वयुद्ध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका और तमाम दुनिया के शक्तिशाली देश ऐसे हैं जो अपनी हथियारों की क्षमता को बढ़ा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर रखा है। तमाम ऐसे असंतुलन पैदा हो रहे हैं जो इस दुनिया को विश्वयुद्ध की ओर कहीं ना कहीं धकेल रहे हैं। तो ऐसे में एक शांति का संदेश देने वाले दर्शन, शांति का संदेश देने वाले एक साहित्य की आवश्यकता है जो कि बौद्ध साहित्य में हमको मिलता है। इसलिए बौद्ध दर्शन, बौद्ध की विचारधारा, बौद्ध का साहित्य आज प्रासंगिक है, इस विषय को मैंने उठाने की चेष्टा वहाँ पर की थी। यह चीन जो है, क्योंकि वहाँ पे बौद्ध धर्म को मानने वाले अधिक हैं, उसके बाद भी चीन जो है आक्रामक रहता है और एक हिंसक प्रवृत्ति है, विस्तारवादी मानसिकता है, तो इसके विषय में आपके कहना चाहेंगे? देखिए, चाइना ने बौद्ध धर्म को अपनाया है, लेकिन मैं कहूँगा आत्मसात नहीं किया है, क्योंकि किसी धर्म को अपना लेना अलग है, उस धर्म के सारी मान्यताओं को स्वीकार करना, उसको अपने जीवन में उतार लेना अलग है। चीन कहीं ना कहीं आक्रामक है और वो अहिंसक ना होकर के हिंसक है। यदि बौद्ध धर्म को सही से अपनाए तो देखिए, सम्राट अशोक थे जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को जीता और उसके बाद में जब उन्होंने शांति को स्वीकार किया, बौद्ध धर्म को अपनाया, तो सारे हथियार रख दिए और शांतिपूर्वक लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया। तो चाइना को भी अपनी शक्ति और अपनी क्षमता का प्रयोग मानव कल्याण के लिए करना चाहिए, ना कि अपने विस्तार के लिए अथवा अपनी इच्छाओं की, गलत इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जो बुद्ध का दर्शन है, तो मैंने आपसे पहले पूछा कि क्या भारतीय
जो दर्शन है उसका कहाँ तक सामंजस्य बुद्ध की के दर्शन से है? देखिए, बुद्ध का जो दर्शन है वो कहीं अलग नहीं है, क्योंकि बुद्ध भी हिंदू थे, क्षत्रिय थे, उनको शाक्य ऋषि कहा गया, शाक्य कुल के थे वो, इसलिए उनका जो दर्शन है कहीं ना कहीं भारत के दर्शन से ही निकला है। हमारे दर्शन में भी कहा गया है कि सब कुछ संतुलित होना चाहिए, उन्होंने भी कहा कि सम्यक जीवन होना चाहिए, सम्यक बोलो, सम्यक सुनो, सम्यक करो, तो उनका दर्शन भारतीय दर्शन से मिलता जुलता है। लेकिन जिस समय बुद्ध ने अपना दर्शन दिया उस समय जो हमारा धर्म था वो बहुत ज़्यादा संकीर्णताओं से बंधा हुआ था, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई थी जिनसे एकदम सामान्य प्रभावित हो रहा था, उसका मन उलझ रहा था, वो उन चीज़ों से, उन बंधनों से भागना चाह रहा था। इसलिए भगवान बुद्ध ने एक सीधा साधा दर्शन दिया जिसके अंदर बहुत सारी संकीर्णताएँ नहीं थीं, बहुत सारी परंपराएँ नहीं थीं, लेकिन वो दर्शन कहीं ना कहीं हमारे दर्शन से ही निकला है, इसलिए वो हमारे दर्शन से मिलता जुलता है, लेकिन वो सहज है, सरल है। जैसा कि आपने कहा कि भारतीय उससे प्रभावित होकर के और भी लोगों का ये कहना है कि सनातन धर्म से ही बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है। बुद्ध ने सनातन धर्म में ही जो त्रुटियाँ वो दिखाई पड़ी या कहीं पे कोई संकीर्णता दिखाई पड़ी उसको समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन लोगों का कहना यह है कि सनातन धर्म का क्षरण बुद्ध के दर्शन के कारण हुआ। देखिए, किसी भी धर्म का क्षरण नहीं हो सकता है, और सनातन धर्म तो वैसे भी विश्व का इतना पुराना धर्म है और मुझको लगता है सर्वव्यापी है, क्योंकि जो मूल बातें सनातन धर्म में हैं लगभग वही मूल बातें हर धर्म ने ग्रहण की है, तो सनातन धर्म कभी क्षय नहीं होता। लेकिन समय के अनुसार, युग के अनुसार कुछ परंपराएं समाज में बनती हैं जिनको हम धर्म से जोड़ देते हैं, और जब वो परंपराएं व्यक्ति के जनजीवन में इस तरह से आ जाती हैं कि जनजीवन उनसे अस्त व्यस्त होने लगता है, जैसे बाल विवाह की व्यवस्था थी, सती प्रथा थी, ऐसे मंदिरों में बहुत से लोगों के जाने पर प्रवेश को वर्जित किया गया था, तो ये सारी ऐसी प्रथाएं होती हैं जिनसे कभी ना कभी समाज दूर हटना चाहता है, वो चाहता है प्रथाएं समाप्त हों, और लोग इन्हें धर्म से जोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। ऐसे में कोई ना कोई सुधारक पैदा होता है, वो इन चीज़ों को दूर करके एक नए रास्ते को जन्म देता है, तो उस समय जो परंपराएं थीं उनको दूर करके एक नया रास्ता देने का प्रयास महात्मा बुद्ध ने किया था, जो मूलतः सनातन धर्म का ही एक अंग है। तो ये अनुराग अग्रवाल जी हैं जिन्होंने कहा कि सनातन धर्म का मूल अंग बुद्ध का दर्शन है, और उस को आगे बढ़ाने के लिए या जो त्रुटियाँ थीं उनको समाप्त करने के लिए बुद्ध ने एक अपनी परंपरा चलाई और उसको उसके लोग अनुयायी बने, इस प्रकार से बुद्ध धर्म स्थापित हुआ, यही कहना है आपको? जी। तो ये अनुराग अग्रवाल जी ने अपने विचार रखे, अभी नेपाल में सम्मानित हुए हैं और अमेरिका सहित कई, थाईलैंड वगैरह, मॉरीशस वगैरह कई देशों में जा चुके हैं, और इन्होंने वहाँ पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया, शाहजहानपुर के नाम को रोशन किया है, शिक्षा जगत में डॉक्टर अनुराग अग्रवाल का एक स्थान है। तो इसी प्रकार आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए।